नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमलेश देवांगन और स्वागत है आप सभी को आज के एक नए वीडियो पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर बात करने वाले हैं, यदि आपकी चूजे लाल कलर की बीट करने लगती है, यानी लाल कलर की डायरिया करने लगती है और चूजे की लगातार मोर्टेलिटी हो रही है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो इसी के बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो पर देने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, मुर्गियाँ जो है लाल कलर की बीट करती है, यानी कि लाल कलर की दस्त करने लगती है, तो इसे जो है कॉक्सिडियोसिस बीमारी कहा जाता है। वैसे यह बीमारी जो है छोटे चूजों में और बड़ी मुर्गियों में, सभी उम्र के मुर्गियों में यह बीमारी जो है हो सकती है, और ख़ासकर यह बीमारी जो है गंदगी के कारण होती है। यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हैं और आपके फार्म पर गंदगी है, तो यह बीमारी ज़्यादातर देखी जाती है। और मुख्य रूप से यदि आप डीप लीटर सिस्टम में मुर्गी पालन कर रहे हैं और आपके बुरादा जो है लीटर जो है गीला है, तो इस सिचुएशन में यह बीमारी ज़्यादातर देखी जाती है। या फिर आपके फार्म पर जो है पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेशन नहीं है, तो इस सिचुएशन में भी आपके मुर्गियों में कॉक्सिडियोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। आपने सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया तो यह बीमारी एक मुर्गी से दूसरे मुर्गी में फैलती जाती है और धीरे धीरे आपकी मुर्गियों की मोर्टेलिटी होती जाती है। तो दोस्तों, जब भी आपकी मुर्गियों में इस प्रकार से कॉक्सिडियोसिस की बीमारी आती है, तो उसको ठीक करने के लिए इस पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह जो है एम्प्रोलियम पाउडर है। इस पाउडर को मुर्गियों को पीने के पानी में मिला करके दे देते हैं, जो पानी देते हैं उसी पानी में मिला करके मुर्गियों को दे देना है। इसकी डोज की बात करें तो एक लीटर पानी में एक ग्राम यह पाउडर मिलाना होता है। सपोज़ आपके पास बहुत सारी मुर्गियां हैं, एक दिन में लगभग 10 लीटर पानी लग जाती है, तो 10 लीटर पानी यदि लगती है तो उसमें 10 ग्राम यह पाउडर मिला देते हैं और मुर्गियों को जो दिन भर पीने के पानी देते हैं उसी पानी में यह दवाई चला देते हैं। लगातार यह प्रक्रिया 5 से 7 दिन तक करना है। और यदि आपको यह पाउडर नहीं मिल पाता है, तो इस पाउडर की जगह आप जो है सुपर कॉक्स पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों पाउडर जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये इसी बीमारी के लिए होता है। दोनों में से कोई भी एक पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों का डोज सेम रहता है, एक लीटर पानी में एक ग्राम। तो दोस्तों, लगातार आपको जो है 5 से 7 दिन तक मुर्गियों को पीने के पानी में यह पाउडर जो है पीने के पानी में मिला करके दे देना है। ऐसा करने से आपकी मुर्गियों में जो है लाल बीट करने वाली प्रॉब्लम है और यदि आपकी मुर्गी जो है लगातार मर रही है, मोर्टिलिटी हो रही है, तो सारा चीज़ जो है कंट्रोल हो जाएगी और आपकी मुर्गियों में लाल बीट करने वाली बीमारी जो है ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी तरह से मुर्गी पालन से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मुर्गी पालन में होने वाली बीमारी और उसके इलाज पर वीडियो बनाता हूँ। यदि आप मुर्गी पालन करते हैं तो यहाँ हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। धन्यवाद।